बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम सीजन 2023 ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, अदर स्टेट की बात करें, उत्तराखंड स्टेट की बात करें, सारी स्टेट की यहाँ पे बात करें, जिनका पेपर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू होता है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2021 में बीएससी नर्सिंग का पेपर किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, पेपर का पैटर्न किस प्रकार से है और क्वेश्चन का जो लेवल है किस प्रकार से यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन की, ध्यान देना स्टूडेंट आपका जो पेपर है यहाँ पे डिवाइड सब्जेक्ट वाइज होता है, जिसमें आपका आपके पास इंग्लिश ग्रामेटिकल पोर्शन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश ग्रामर के होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा स्टूडेंट, ध्यान देना स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर, ये वीडियो काफ़ी लेंथी होने वाली है तो मैं इंग्लिश के रिगार्डिंग आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विथ सॉल्यूशन मैं उसका आंसर आपको यहाँ पे दूंगा। यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट आपके पास एडीम्स के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक से लेकर दो क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे एडीम्स ऑब्लिक फेस के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्ट स्पेलिंग का आपको क्वेश्चन आपके पास आ रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन करेक्ट स्पेलिंग के आ चुके हैं। तो टोटल देख सकते हैं ओवरऑल चार क्वेश्चन यहाँ पे एडीम्स प्लस करेक्ट स्पेलिंग के आ रखे हैं। फिर अल्टरनेटिव जो क्वेश्चन रहता है अंडरलाइन जो वर्ड रहता है उसका अल्टरनेटिव आपको शो करना है, उस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास दो आते हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। 9 क्वेश्चन आप देख सकते हैं अल्टरनेटिव भी यहाँ पे पूछा गया, तो देख सकते हैं अल्टरनेटिव से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और जो करेक्ट सेंटेंस जो रहते हैं आगे पीछे आपको सही करके देखना है जिसमें कहाँ जो कौन सा एरर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एरर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो वर्ड है उसकी जो करेक्ट मीनिंग आपको यहाँ पे बताने, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। 13 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से आपके पास सेंटेंस दे रखा है और इसका बेस्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए बेस्ट एक्सप्रेशन का। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रखा है जिसमें आपको बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके देना है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं करेक्ट सिक्वेंस आपको बताना है, सिक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्वेंस से रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। आई होप ये चीज़ें आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी यहाँ पे पूछे गए इंग्लिश में। तो आई होप ये इंग्लिश के रिगार्डिंग आपका कंफ्यूजन दूर हो चुका होगा किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश ग्रामेटिकल के आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश ग्रामेटिकल के रिगार्डिंग में फुल वीडियोज प्रोवाइड करूंगा तो मैं इसके रिगार्डिंग फुल वीडियोज प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन क्रिटिकल होता टफ होता है स्टूडेंट, टफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं तो उनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वाले फेज में इंग्लिश का क्वेश्चन छोड़ दिया है। मैं आने वाले दिनों में 2023 में आपका पेपर होगा किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कैसे आपको प्रिपरेशन करनी इसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड करने वाला स्टूडेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट जो क्वेश्चन है आपके 21 क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ स्टूडेंट, जो इंग्लिश मीडियम वाले हो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले मैं उनको पढ़ के यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रकृति में अंतर्जातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाले जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया है? तो 21 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप देख सकते हैं संसाधन विभाजन रिसोर्सेज। 22 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के अनुकर्मणीय प्रसरण के लिए सही कर्म क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइडियल गैस के लिए पूछा गया है कि सही फॉर्मूला कौन हो सकता है अनुकर्मणीय प्रसरण के लिए। जो राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी डेल्टा यू इक्वल टू जीरो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट जो क्वेश्चन है आपका मॉडरेट टू टफ होने वाला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, आप पेपर देख भी रहोगे किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए आर्यूनिमस समीकरण के ढाल का मान -5×10³ के है, अभिक्रिया के लिए E1 का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैथमेटिकल टर्म्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 41.5 kg। 24 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, 45 डिग्री पर एक विलयन जिसमें बेंजीन एंड ऑक्टेन का मोलर अनुपात दे दिखता, मोलर मोलिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, 3.3:2 है, तो उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प होगा? तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 336 mm ऑफ Hg। 25 क्वेश्चन की बात करते हैं, दिए गए अणुओं में कौन अध्रुवीय प्रकृति का है? तो आपने को बताना है कि नॉन पोलर कौन सा मॉलिक्यूल है? तो राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर सी SbCl5। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं स्टूडेंट, 1 लीटर आयतन में 0°C पर एक मिश्रण जिसमें 4GO2 / 2g H2 ली गई है, उसका कुल दाब सही विकल्प को चुनिए। तो 26 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 25.18।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 क्वेश्चन की बात यहाँ पे करते हैं। आरबीसी की कमी हीनता जनित रोग है, ये आपके बायोलॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए B12 की कमी से जो आपका आरबीसी की कमी से हीनता जनित रोग हो जाता है। 28 की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 28 क्वेश्चन जो आपका है, निम्न में से असत्य कौन है, आपको फॉल्स यहाँ पे बताना है। जो राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी, अधिकांश त्री संयोजी लेंथेनाइट आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं जबकि रंगीन होते हैं स्टूडेंट। 29 की बात करते हैं स्टूडेंट, बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था एवं वाष्प अवस्थाओं में संरचनाएं हैं। जो राइट आंसर स्टूडेंट 29 का ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखला एवं द्विलक, कहने का मतलब है चेन एंड टाइमर यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं, CX बंद की बंद एंथैल्पी का सही क्रम है, तो 30 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3 F सबसे ज़्यादा बनेगा, उसके बाद CH3 Cl का कर्म होगा, उसके बाद CH3 Br का और CH3 I का लास्ट में यहाँ पे कर्म रहेगा स्टूडेंट। 31 की बात करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली का एक स्टेशन 1.368 हर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रसारण है, ध्यान देने स्टूडेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है, संचारक ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग धैर्य है, तो यहाँ पे तरंग धैर्य का क्वेश्चन पूछा गया है 31 का, आप देख सकते हैं। जो राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 8, 219.3 मीटर। 32 क्वेष्चन का आप देख सकते हैं, किसी षष्ठकोणीय आध्या एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकिया एवं अष्टफलकिया रिक्तियों की संख्या हेतु सही विकल्प है, जो 32 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 12.6। ZR Z = 40, HF Z = 72 के परमाणिक एवं आयनिक त्रिज्याय समान है, इसका कारण है, तो इसका रीजन आपको बताना है। जो 33 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, लेंथेनाइट अंकुचन। 34 की बात करते हैं स्टूडेंट, वात्य भट्टी में प्राप्त किए जाने वाले अधिकतम तापमान है, तो वात्य भट्टी में प्राप्त किए जाने वाले तापमान जो अधिकतम है उसका जो राइट आंसर है 34 का ऑप्शन नंबर बी, 2200 के तक। 35 की बात करते हैं, एथेन को निम्नतम अस्थायी स्वरूपण में द्वितल कोण है, तो यहाँ पे पूछ रखा है एथेन के निम्नतम जो अस्थायी स्वरूपण में है द्वितल कोण है, तो 35 को जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, 0 डिग्री। 36 की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, निम्न में से किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव हो, तो 36 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, आसवन जो विधि है उसके द्वारा आप अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। 37 की बात करते हैं स्टूडेंट, निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, तो 37 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, बेरिलियम क्लोराइड। 38 की बात करते हैं स्टूडेंट, टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही विकल्प चुनिए, जो टिंडल इफेक्ट है कौन से विलयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो राइट आंसर स्टूडेंट 38 का ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च विलयन के द्वारा। 39 की बात करते हैं स्टूडेंट, मध्यवायुता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, तो मध्यवायुता प्रदर्शित करने वाला जो यौगिक है 39 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, C4H10O। 40 की बात करते हैं स्टूडेंट, कुल 14 प्रकार के बेरवेक जालकों के अंतर केंद्रित एकल कोष्ठिकाओं की संख्या के लिए सही विकल्प है, तो राइट आंसर स्टूडेंट 40 का ऑप्शन नंबर डी, 3। 41 की बात करते हैं स्टूडेंट, निम्न में से कौन सा विकल्प एक विकल्प मोलर आदर्श जो गैस होती है आपकी उसके लिए जो रिलेशनशिप है CP और CB के बीच, आइडियल गैस के बीच जो रिलेशन है उसका जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, CP - CB = R। 42 की बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक 200 सेंटीमीटर लंबाई और 500 ग्राम द्रव्यमान की समान छड़ वाले वेंच 40 सेंटीमीटर निशाने पर संतुलित है, एक 2 मीटर की ग्रह का द्रव्यमान छड़ से 20 सेंटीमीटर पर निलंबित किया जाता है तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान M छड़ से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया जाता है, ज्ञान कीजिए M का मान, तो M आपको यहाँ पर द्रव्यमान का नाम मान निकालना है, तो जो राइट आंसर स्टूडेंट 42 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/12 किलोग्राम। 43 की बात करते हैं, एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित होती है, T = 4 सेकंड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की से बाहर गिराई जाती है, T = 6 सेकंड पर गेंद का वेग तथा त्वरण का मान निकालना है, आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है, तो राइट आंसर स्टूडेंट 43 का ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20√2 मीटर/सेकंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 44 की बात करते हैं, लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु वस्तु उपस्थित है, यदि एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष से लंबवत तथा इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब पाया जाएगा, तो दूरी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे,
प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन स्टूडेंट 44 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से या आभासी प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट 45 क्वेश्चन की। एक श्रेणी एलसीआर परिपथ में, ये परिपथ वाला क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, 6.0 हेनरी का प्रेरण है, 80 माइक्रोफेराडे का धारिता तथा 40 ओम का प्रतिरोध 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति हस्तांतरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्ति होगी। तो 45 का जो राइट आंसर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है यहां पे, तो राइट आंसर स्टूडेंट 45 का ऑप्शन नंबर सी 46 रेडियन पर सेकेंड और दूसरा जो होगा 54 रेडियन पर सेकेंड। 46 की बात करते हैं स्टूडेंट, एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान 120 के दो टुकड़ों में टूटता है, अखंडित तथा खंडित नाभिकों के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्रमशः 7.6 मैग्नेट वोल्ट तथा 8.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, प्रकरण में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा है, तो आपको बंधन ऊर्जा बताना है, बाइंडिंग एनर्जी यहां पे बताना है। 46 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 47 की बात करते हैं स्टूडेंट, समान लंबाई समान अनुप्रस्थ का अर्थ के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम से जुड़े चार तारों के तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है, यदि उनके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे प्रभावी प्रतिरोध पूछ रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज के क्वेश्चन में पूछे गए हैं। जो 47 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 4 ओम। 48 की बात करते हैं, एक वाणी 600 नैनोमीटर तरंग धैर्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या होगी जब वह 3.3×10⁻³ वाट शक्ति उत्सर्जित करती है। तो 48 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁙। 49 की यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट, एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना पी टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है, दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए। तो राइट आंसर स्टूडेंट 49 का ऑप्शन नंबर सी, एन टाइप में धारा पी टाइप में धारा से ज़्यादा होगी। 50 के क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, एक विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विभव माप की सेल 30 सेंटीमीटर तार के लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है, यदि 2.5 वोल्ट विभव वोल्ट वाली दूसरी सेल पहली सेल की प्रति स्थापित करती है तो तार को किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त होगा। तो राइट आंसर स्टूडेंट 50 का ऑप्शन नंबर ए 60 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे आप पेपर में, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस में यहाँ पे रहने वाले, इस चीज़ का आप ध्यान रखना स्टूडेंट। जरूरी नहीं है कि रिसेंट जो 2023 में आपका पेपर है इसी टाइप का आएगा, लेकिन आपको एक आइडिया मिल रहा होगा स्टूडेंट कि पेपर का लेवल किस टाइप से यहाँ पे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। 51 क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिसमें अस्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जो 51 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। 52 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है, घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा से 10% की हानि होती है, टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न होती है। जो राइट आंसर स्टूडेंट 52 का ऑप्शन नंबर बी 8.1 किलोवाट। अब यहाँ पे 53 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, एक स्क्रूड्राइवर जब तक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है निम्नलिखित पाठ्यांक देता है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 0 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 52 खाने। तो राइट आंसर स्टूडेंट 53 का ऑप्शन नंबर डी 0.052 सेंटीमीटर। 54 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, पृथ्वी सतह से पलायन वेग टा है, समान द्रव्यमान घनत्व वाली पृथ्वी के त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग होगा। जो 54 का जो राइट आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 4 वोल्ट। 55 की बात करते हैं, एक वृत्त फोकस दूरी तथा वृहत द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वृहत द्वारक गुणता और दृश्यता के लिए योगदान होता है और क्षेत्रफल और उपयुक्त प्रकाश संग्रहण क्षमता का कारक होता है। 56 की बात करते हैं, एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेंटीमीटर खींची होती है, जब 2 किलोमीटर द्रव्यमान को इसमें लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल होगा। 56 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी 0.628 सेकंड। 57 क्वेश्चन की बात करते हैं, एम द्रव्यमान तथा डी घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन के डालने से कुछ समय बाद अचर हो जाता है, यदि ग्लिसरीन का घनत्व d/2 हो तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा। 57 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए mg/2। 58 की बात करते हैं स्टूडेंट, यदि बल एफ त्वरण ए तथा समय एफ को मुख्य भौतिक राशियां मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा ज्ञात कीजिए। तो विमा का क्वेश्चन है। 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एफ ए
टी स्क्वायर। 59 की बात करते हैं, समान अक्ष के अनुदिश डी दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर उत्तल लेंस ए तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस बी रखे हैं। यदि ए पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज बी से निकलने पर समांतर पुंज रहती है तो दूरी डी सेंटीमीटर होगी। 59 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 15। 60 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक वस्तु एन आवृत्ति के सरल आवर्त गति करती है, इसकी स्थिति ऊर्जा की आवृत्ति होगी। 60 का जो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी 2n। 61 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। आपको सही आंसर बताना है तो इसमें जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी जिसमें से ए वाला आपका सही है, जेनोटाइड उत्क्रम अभी नीति में जुड़ा है तथा विभव नियंत्रक की तैयार प्रयुक्त होता है। 62 क्वेश्चन की बात करते हैं, एम्स का पूर्ण नाम है तो एम्स की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है स्टूडेंट, तो एम्स की जो फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आशा का पूर्ण रूप है, तो आशा का पूर्ण रूप यहाँ पे है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्रेडिटिविस्ट। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, ध्यान देना स्टूडेंट इसमें नर्सिंग के क्वेश्चन में आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। 64 क्वेश्चन की बात करते हैं, एक अच्छी नर्स के सभी गुण होते हैं, तो राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर डी मुखर। 65 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, हाथ धोने का आदर्श समय क्या है, तो 65 जो का जो राइट आंसर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी 20 सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। 66 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, मानव उत्तक और शारीरिक अवशिष्ट को किस थैले में रखा जाता है, तो 66 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी पीले रंग का बैग। 67 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, इंद्रधनुष मिशन का संबंध किससे है, तो इंद्रधनुष संबंध का जो मिशन का जो संबंध है 67 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी टीकाकरण से। 68 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, अच्छी स्वच्छता प्रथाओं ने कोविड 19 संक्रमण और अन्य श्वसन रोगों के प्रसारों को कम करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, निम्नलिखित में से सभी महत्वपूर्ण स्वच्छता प्रथाएं जो बिहार और रोज जनकों को मारने या कम समय में करती है सिवाय कौन सा एक उपाय है, तो उसका आंसर है हवा के परिशोधनों के क्षेत्र का धूम्रन। 69 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन कीटाणु शोधन की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है, तो 69 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी कई सूक्ष्म जीवों और कुछ जीवाणु बीजाणुओं की कमी या उन्मूलन। 70 की क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, एमआरआई जांच करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है, तो 70 का जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी रेडियोलॉजी। 71 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, ईईजी का पूर्ण रूप है, तो ईईजी का जो फुल फॉर्म है स्टूडेंट इलेक्ट्रोएन्सेफालोग्राम। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, 01 एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों के इलाज के लिए किसको जाना चाहे, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर है स्टूडेंट 72 का ऑप्शन नंबर बी पीडियाट्रिशियन को। 73 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, कोविड वैक्सीन को वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन, यहाँ पे वैक्सीन कोविड जो वैक्सीन को नाम दिया गया। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 यहाँ पे स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। NHM का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। 76 की यहाँ पे बात करते हैं, बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, तो योजना है आयुष्मान भारत योजना। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा का नंबर क्या है, 108 एपनिया है, तो श्वास का निलंबन। यहाँ पे टेचिकार्ड्रिया है, तीव्र हृदय गति, जो 79 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 80 का क्वेश्चन है, पैथोलॉजी है रक्त का अध्ययन। 81 की बात करते हैं स्टूडेंट, एथरेक्सोरोसिस है धमनियों का आक्रमण। 82 क्वेश्चन की बात करते हैं, ससक्स एंट्रेक किस का संदर्भ है, आंत्र रस से। 83 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंड्रोन्यूक्लियस द्वारा DNA के विशिष्ट स्थिति को काटने के लिए पहचाना जाता है, जो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। 84 क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, निम्न में से किस जीव में लंबी अस्थियों की खोखली एवं बातिल होती है, तो नियोफ्रॉन उसका राइट आंसर है। 85 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, DNA अंगुली छापी में DNA अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में भिन्नताओं की पहचान की जाती है, इस विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है, पुनरावृत्ति DNA इसका राइट आंसर है। 87 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस कुलों के युग्म से उनके कुछ सदस्यत्व प्रांगणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के महीनों तक रहती है, तो राइट आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी रोजेसी लेग्यू
मिनोसी। 87 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीव द्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहते हैं। सिसम केंद्रिक जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज़ थर्ड की भूमिका क्या है? तो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए 5R आरएनए और एसएनआरएनए को अनुलेखित करता है। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रबंधन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है तब वह प्रक्रिया कहलाती है। तो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, जीन प्रक्रिया। 90 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, पुनर्योगेश डीएनए प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल एथेनॉल का मिलने से यह अवक्षेपित करता है डीएनए। 91 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है। 92 क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश कलिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगमन का स्थान होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्ती। 93 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न से कौन पादपों में द्वितीयक उपचायज नहीं है? तो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, एमिनो अम्ल ग्लूकोज। 94 क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न से कौन सा कारक एक जनसंख्या में फॉर्डर प्रभाव प्रभावित करता है? तो राइट आंसर 94 का ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक विचलन। 95 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, फलमुखी के प्रत्येक कोशिका के 8 गुण सूत्र 2N होते हैं। यदि सूत्री विभाजन के अंतर्वस्था की जीवन प्रवस्था में गुण सूत्रों की संख्या 8 है, एस प्रवस्था में बाद गुण सूत्रों की संख्या होगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है? तो राइट आंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। 97 की बात करते हैं स्टूडेंट, परिपक्व अवस्था में एक पुरुषी अवृत बीजी भ्रूण कोष, निम्न में से कौन सा कथन राइट आंसर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एट, केंद्रीय और 7 कोशिकाएं। 98 की बात करते हैं, पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? सदुटयता इसे कहते हैं। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं, जेल में रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अविरंजित डीएनए रुंजकों को जब यूवी विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तो ये क्या कहलाते हैं? चमकीली नारंगी पट्टियां। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, जनकों द्वारा युग्मों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 और F2 पादपों को निम्न में से किस चित्र द्वारा समझाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट, पनेट वर्क के द्वारा। आई होप ये 100 क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिल चुका होगा कि बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है किस टाइप से यहाँ पे पूछा जाता है। ध्यान देना स्टूडेंट, आपको 50 मार्क्स यहाँ पे कंपलसरी लाने होंगे, मैटर नहीं करता आपकी कैटेगरी क्या है, देन आप इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होंगे, इस चीज़ का आप माइंड सेट में रखना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती स्टूडेंट, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अनदर क्वेरी आपकी तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अपडेट विद नब्बू को लाइक शेयर